Hey everyone, this is your girl Myra. Welcome back to my channel. So, जैसे कि आज है फादर्स डे, तो मैं सबसे पहले अपने फादर को और आप सबके फादर को बोलना चाहती हूँ हैप्पी फादर्स डे. तो मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि टेल अस अबाउट योर जर्नी, आप कुल्फी में कैसे आए, आपने कुल्फी कैसे किया. सो आज मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी. मैं आपको अपनी पूरी जर्नी के बारे में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं उसका एक पार्ट बताऊंगी और उस पार्ट में मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है. आपको अपनी कुल्फी कुमार बाजेवाला में मैंने कैसे एंटर किया और मेरे फादर ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कितना सपोर्ट किया, मैं आपको उसके बारे में बताने वाली हूँ. और अगर आपको मेरी पूरी जर्नी देखनी है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए और इसे 10,000 लाइक्स तक पहुँचाइए. मैं बनाऊंगी आपके लिए मेरी पूरी जर्नी. तो चलो, सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा ऑडिशन जो मैंने घर से भेजा था कुल्फी के लिए. आपने मेरी विश लिस्ट करी थी ना, माय विश लिस्ट, जिसमें लिखा था मुझे अपने बर्थडे पे जो चाहिए और जो नहीं चाहिए. एनीवेज, मम्मा ठीक बोलती है, आप दोनों ना पुअर हो और रिच लोगों की मेंटेलिटी नहीं समझ सकते. क्यों थी, आप तो मम्मा की भी मम्मा हो, तो फिर आप अगर गिफ्ट नहीं लाओगी तो आई नॉट टॉक टू यू और मैं पार्टी में भी नहीं जाऊंगी. आपने देखा मेरा ऑडिशन, ये मैंने अपने घर से बनाया है, ये मैंने आपको जल्दी दिखा दिया. अभी मैं आपको बताने वाली हूँ इससे पहले क्या हुआ. तो रात को 11 o'clock मुझे मेरे मम्मा को कॉल आया, उन्होंने बोला कि एक सीरियल है, आप ये इसकी स्क्रिप्ट है, आप ऑडिशन बना के भेज दो. तो फिर एक सीरियल था तो मम्मा को कभी नहीं, एक सीरियल वो मुझे नहीं करवाना चाहती थी एंड उन्हें मुंबई में शिफ्ट भी नहीं होना था क्योंकि हमारे दिल्ली में घर था, हमारा वहाँ पे बिजनेस था, सब कुछ वहीं पे था, हमें मुंबई शिफ्ट भी नहीं होना था. पर हमने बनाया कि वो हमें बोल रहे हैं हम नहीं बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगता, उन्होंने हमें अप्रोच किया, इसलिए हमने उनको बना के भेज. तो अब हमने ऑडिशन भेज दिया था और कुल्फी से पहले भी मैं वर्क कर चुकी थी, मैंने एड्स किए थे, प्रिंट शूट्स किए थे और इंदीप भैया के साथ मैंने म्यूजिक वीडियो भी की थी. और कुल्फी से पहले मुझे 2 सीरियल्स की अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैं शॉर्टलिस्ट भी हुई थी, बट हमने उसे सीरियसली नहीं लिया और वो हम सोच ही नहीं पाए हमें मुंबई जाना है या नहीं जाना है, इसलिए वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई हमसे. और अब मैं आपको आगे की स्टोरी बताती हूँ. उसके बाद 10 मिनट्स में उनका फ़ोन वापस आया, उन्होंने बोला कि मैं शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ और आपको मॉक शूट के लिए मुंबई आना पड़ेगा 2 दिन में क्योंकि उसकी शूटिंग 4 डेज में स्टार्ट होने वाली है. सो उस वक्त पे मेरे डैड आउट ऑफ टाउन थे, बिजनेस के रिलेटेड कहीं पे थे, तो मम्मा डिसाइड नहीं कर पा रही थी अकेले कि मुझे जाना है, मतलब हमें जाना है या नहीं जाना है. सो उन्होंने पापा को फोन किया. सो पापा, मेरे पापा नेक्स्ट डे आए रात को 8 बजे और हमें नेक्स्ट डे सुबह 9 o'clock किसी भी हाल में मुंबई पहुंचना. तो पापा ने भी बोला चलो कर लेते हैं, हमने इतनी बार स्किप किया है तो कर लेते हैं ट्राई. और जो हमारी कोऑर्डिनेटर थी दीप्ति मैम, उन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा बोला था कि आप कर लो, आप कर लो, आपकी बच्ची सेलेक्ट हो जाएगी. और सो हमने टिकट देखी तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, जैसे नॉर्मल होती हैं उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, अराउंड 60,000 3 people. वो भी 1 way. So, मम्मा ने तो नो बोल ही दिया कि हम नहीं जा रहे, नहीं इतना पैसा वेस्ट नहीं कर सकते.
थे। उन्होंने कॉल करके भी दीप्ति मैम को बोल दिया, नहीं हम नहीं आ पाएंगे, आई एम सॉरी। और पापा कुछ नहीं बोल रहे थे लेकिन, और मैं तो बहुत मतलब छोटी थी, थोड़ी सी, और मुझे नहीं पता था कि 60,000 कितना होता है। और मुझे लग रहा था कि, मुझे नहीं पता था हम सीरियल करने जा रहे हैं, मुझे लगा था हम ट्रैवल करेंगे, हम घूमेंगे, ये सब मुझे लग रहा था। और मुझे इतना भी नहीं पता था कि 60,000 कितना होता है। तो मैंने अपने पापा को बोला, क्योंकि मम्मा बाय में बोले थे हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने अपने पापा को बोला कि आप मेरे 60,000 वेस्ट नहीं कर सकते। तो पापा ने सीधा बोल दिया, कोई बात नहीं तुम चले जाओ, चाहे होता है या नहीं होता है तुम चले जाओ, और सोच लेना कि बस 3 दिन के लिए, अगर नहीं होता तो सोच लेना कि 3 दिन के लिए घूमने जा रहे हो, और हो जाता है तो ये तो अच्छी बात है, और नहीं होता तो वापस घर आ जाना। तो ऐसा पापा ने बोला, तो हमने फिर मेरी मम्मा ने टिकट देखी। तो ये सब डिस्कशन हुआ अराउंड रात के 1 o'clock या 2 o'clock या 1 o'clock ऐसा कुछ हो रहा था टाइम। उन्होंने टिकट्स बुक कर दी, तो पापा ने बोला चलो मैं नहीं जाता हूँ, तुम दोनों चले जाओ। तो फिर वो उतना एक्सपेंसिव नहीं थी, बट स्टिल अराउंड 30,000 ऐसा कुछ था। तो हमने टिकट्स बुक की, और मम्मा वैसे मना कर चुकी थी दीप्ति मैम को, बट उन्होंने मैसेज किया कि चलो हम आ रहे हैं मुंबई। उसके बाद हमने कोई पैकिंग नहीं की थी, हमने कुछ तैयारी नहीं की थी, और हमारी फ्लाइट थी सुबह की 7 बजे की, और ऑलरेडी 2 बज ही चुका था रात का, और हमें 1-2 घंटे में ही एयरपोर्ट के लिए निकलना था, क्योंकि एयरपोर्ट हमारे घर से बहुत ज्यादा दूर था, बिकॉज हम ग्रेटर नोएडा में रहते थे। तो जैसे तैसे हमने पैकिंग कर दी, 5 days के क्लोथ लिए हमने सिर्फ। एंड मैं आपको एक चीज बताना भूल ही गई कि उन्होंने हमें ये बोला था कि अगर आप मुंबई आते हो और आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको वापस जाने के लिए नहीं मिलेगा। और ये बात मेरी मॉम भूल गई, क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा था कि मैं सेलेक्ट होंगी। और उसके बाद हम निकल पड़े अपनी जर्नी पे। तो फिर हम निकल गए, और हम मुंबई निकल गए, बट हमें पता नहीं हम कौन से होटल में रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे। बट पापा ने बोला कि तुम लैंड करोगे उससे पहले मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा, सब कुछ हो जाएगा, और आपको पता होगा कि आपको कहाँ जाना है लैंड करने से पहले। और जो अब मैं आपको बताने वाली होंगी आपको लगेगा कि एक मूवी की स्टोरी है, बट ये मूवी की स्टोरी नहीं है, ये मेरी स्टोरी है, ये एक रियल स्टोरी है। और जो मूवीज में होता है ना, वो आपके साथ कभी कभार रियल लाइफ में भी हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ग्रेटर नोएडा रहते थे, तो हमें लगा कि हम पहुंच जाएंगे टाइम पे, क्योंकि रात के 3 बजे क्या ट्रैफिक होगा, इसलिए हम निकल गए। एंड उसके बाद लिंक रोड पे 1 घंटे का जाम था, बिकॉज वहां पे फ्लाईओवर का कोई काम चल रहा था, वहां पे ट्रकों की लाइन थी और बहुत सारी कार्स थी, और 1 घंटे का जाम था। फिर क्या हुआ, आपको तो पता ही है ना मम्मास कैसी होती हैं, वो पापा को बोलना शुरू हो गई, अरे मैंने बोला था ना हमने पैसे वेस्ट कर दिए, अब हो गया हमारी फ्लाइट छूट जाएगी, हो गया, ये मम्मा पापा को बोले जा रही है। मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रूल के खिलाफ है, बट अगर आप दिल्ली रहते हो तो गाड़ी कभी रॉन्ग साइड से लेनी पड़ती है। तो मेरे पापा ने उस टाइम पे, उनको बहुत दिल्ली में वो काम करते थे बहुत ज्यादा, इसलिए उनको सारे रास्ते पता थे, तो सुपर हीरो बन के उन्होंने रॉन्ग साइड से गाड़ी ली, क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे थे, हमारी फ्लाइट छूटने वाली थी, उन्होंने रॉन्ग साइड से गाड़ी ली, और हमें पहुंचा दिया वहां पे। वेट, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, मेरी फैमिली कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसके बाद आपको पता है मतलब उस टाइम पे क्या टाइम हो रहा था, उस टाइम पे
टाइम था मतलब 6 बजने में जस्ट 5 मिनट्स, और आपको तो पता है एयरपोर्ट के रूल्स है कि आपको 1 घंटा पहले पहुंचना होता है, और मेरी 7 बजे की फ्लाइट थी। तो फिर हम भागते हुए काउंटर पे पहुंच गए, हमने अपने बोर्डिंग पासेस लिए। उसके बाद हमारे जो पीछे वाले थे उनको उन्होंने मना कर दिया कि द टाइम इज ओवर। मैंने अपने मामा को देखा, उन्होंने मुझको देखा, कि ये हमारे साथ भी हो सकता था अगर हम लेट हो जाते, और अगर हम रॉन्ग साइड नहीं लेते तो हम 6 o'clock क्या 7 o'clock 8 o'clock पहुंचते और फ्लाइट मिस हो जाती। तो मेरे पापा इस पार्ट में तो सुपर हीरो। अब मैं बताती हूँ आगे क्या हुआ। तो हम अपने होटल पे पहुंचे, जैसे मैंने आपको बता रखा था कि मेरे पापा ने सब कुछ अरेंज कर रखा था कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, वो सब कुछ अरेंज था। तो हम होटल में गए, फिर हम अपने मॉक शूट पे गए। वहाँ पे मैं रात को मेरा नंबर आया मॉक शूट का, मैंने मॉक शूट दिया, मैं नर्वस हो गई। मेरी मम्मा को तो तभी ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये तो सेलेक्ट नहीं हो पाएगी, मेरे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो, और सेट पे सबको ऐसा लग रहा था कि ये बच्ची नहीं नहीं ये बच्ची तो सिलेक्ट हो ही नहीं पाएगी। तो फिर जैसे तैसे मुक्त हुआ। उसके बाद हम अपने होटल वापस गए, हमने रेस्ट किया। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम हुए रेडी मॉल जाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ घूमने आए थे। और जैसे हम बाहर जाने वाले थे तभी देखिए मैम का हमें फोन आया, उन्होंने बोला कि मैंने आपको एक फोटो भेजी, आप इसे चेक करो, ये बच्ची सेलेक्ट हो गई है। क्योंकि उन्होंने उनको पता नहीं चल रहा था कि मेरा लुक थोड़ा सा चेंज हो गया था, उसमें मेरे 2 बंस थे, इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये मैं ही हूँ या कुछ। इसलिए मम्मा ने फोटो चेक की और वो शॉक में आ गई, क्योंकि वो मेरी फोटो थी। और वो शॉक में इसलिए आई क्योंकि वो अपना ग्रेटर नोएडा का घर नहीं छोड़ना चाहती थी, वो मुंबई शिफ्ट नहीं होना चाहती थी। और उन्होंने दीप्ति मैम को बोला हाँ ये मेरी बेटी है। एंड उसके बाद उन्होंने पापा को फोन किया, फिर पापा को उन्होंने जब पापा को बताया तो पापा बहुत खुश थे, उन्होंने बोला वाह कितनी अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन मम्मा शॉक में थी क्योंकि उनको अपना घर नहीं छोड़ना था। उसके बाद पापा बोला चलो मैं अगले दिन ही आ रहा, फिर हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। वो आ गए अगले दिन, तो मेरे पापा नेक्स्ट डे आ गए, मेरी शूटिंग स्टार्ट हो गई। और उसके बाद ये सब हुआ। और मैंने फादर्स डे के दिन अपनी जर्नी इसलिए बताई क्योंकि आप जो मुझे कुल्फी कुबाय बाजी वाला अमायरा जानते हो, अमायरा मुझे मेरे पापा ने बनाया, इसमें उनका बहुत सारा सपोर्ट है। और मैं लास्ट में एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि मेरे पापा ने मेरे लिए 16 जो भी वेस्ट किया, अगर आपके पापा वो आपके लिए नहीं करते इसका ये मतलब नहीं है आपके पापा आपसे प्यार नहीं करते, इसका ये मतलब है कि उन्होंने आपके लिए कुछ और कुछ बहुत ज्यादा बेटर सोच रखा है, आपके फ्यूचर के लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है। तो आप मुझे मतलब आप मेरे पापा और अपने पापा को कंपेयर मत करो, मुझे भी नहीं करना चाहिए और आपको भी नहीं करना चाहिए। और मेरे पापा शो शुरू होने से पहले, शो के बाद, जब तक वो 2 साल चला और अभी तक मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। एंड वो हमारे साथ रहते भी नहीं थे, वो पुणे में रहते थे, उनका वहाँ पे जॉब थी, वो ग्लोबल लीगल हेड थे वहाँ पे, वो सिर्फ वीकेंड्स पे यहाँ पे आते थे, पुणे से मुंबई आते थे वो सिर्फ वीकेंड्स पे हमसे मिलने, हम उनसे ज़्यादा नहीं मिल पाते थे, सिर्फ वीकेंड्स पे मिल पाते थे। तो वो हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं। और ऐसा नहीं कि मेरे पापा ने मुझे कभी भी फोर्स किया है किसी चीज़ के लिए, वो ऐसा चाहते हैं कि मुझे जो पसंद है मैं वो करूँ, वो चाहते हैं एक्चुअली वो चाहते हैं कि मैं सिंगिंग करूँ, और मुझे सिंगिंग भी बहुत पसंद है, मैं सिंगिंग भी करती हूँ, मैं एक्टिंग भी करती हूँ, इसलिए मेरे पापा को मुझ पर बहुत प्राउड है। तो मैं अपनी स्टोरी यहीं पर ख़त्म करती हूँ, ये थी मेरी फादर्स डे की स्टोरी। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जो मैंने आपको बोला था मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। सो अगर आपका एक्टिंग लाइन में आना है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई आपको बोले कि आपको रजिस्ट्रेशन की फीस भरनी है
तो प्लीज आप कभी मत भरिएगा, आपको ये सब पेमेंट करना है अगर वो ऐसा बोले तो वो ऐसे फ्रॉड ही होते हैं, सो प्लीज कभी मत कीजिएगा। और वो आपको ये भी बोलेंगे शायद कि आपको आर्टिस्ट कार्ड की फीस भरनी पड़ेगी वरना आप आ नहीं पाओगे, मतलब ऐसे अजीब अजीब से तरीके होंगे पैसे देने के, मतलब पैसे लेने के। सो आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आर्टिस्ट कार्ड पहले ही बनाना है, जब आप कोई मुंबई में काम करने लग जाओ थोड़ा टाइम हो जाए उसके बाद भी आप आर्टिस्ट कार्ड बनवा सकते हैं। सो बी केयरफुल। और जब आप ऑडिशंस देते हो, आप बहुत सारे ऑडिशन देते हो लेकिन आप पहली बार में सेलेक्ट नहीं हो गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसा सोचो कि हम सेलेक्ट क्यों नहीं हुए। आप हमेशा अपनी उम्मीद बनाए रखो क्योंकि एक बार में कोई सेलेक्ट नहीं होता है, बहुत लकी लोग होते हैं जो एक बार में सेलेक्ट होते हैं। मैं भी कभी एक बार में, मैंने बहुत सारे एड्स के ऑडिशन दिए हैं लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं हो पाती थी। हमें तब ऑडिशन बनाना अच्छे से आता भी नहीं था, हमने धीरे 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 करके ऑडिशन बनाना सीखा। और आप गूगल पे, जैसे अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप सर्च करके पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, वहाँ पे जाके अपने ऑडिशंस दे सकते हैं। और अगर आप आउट ऑफ मुंबई रहते हैं तो फिर आप फेसबुक या गूगल पे सर्च करके उनकी ईमेल्स आपको मिल जाएंगी बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स की, तो आप उनकी ईमेल पे अपनी प्रोफाइल भेज सकते हैं और फिर वो आपको अप्रोच करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, एड्स के लिए, सीरीज के लिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। और मुझे ये भी बताइए कि आपको मेरी आगे की जर्नी देखनी है, और प्लीज इसे 10,000 लाइक्स तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि अगर आप 10,000 लाइक्स तक नहीं पहुँचाएंगे तो मैं क्यों बनाऊँ जर्नी। ओके सो बाय, लव यू एवरीवन, एंड वंस अगेन हैप्पी फादर्स डे टू एवरी फादर।